ओम शांति दोस्तों, नमस्कार। एग्जाम शब्द सुनते ही जैसे ऐसा लगता है हमारे शरीर में करंट सा दौड़ गया। बच्चों का भी स्ट्रेस बढ़ जाता है, मम्मी पापा का भी स्ट्रेस बढ़ जाता है और पूरे घर के एनवायरनमेंट में बस एक अलग ही एनर्जी आ जाती है। सबके मन में एक ही क्वेश्चन होता है, कैसे इस पीरियड को आसानी से निकाला जाए, बच्चों की परफॉर्मेंस भी बढ़िया रहे और वो खुश भी रहे। दोस्तों, आज मैं आपको बड़ी सिंपल और प्रैक्टिकल टेक्निक्स बताऊंगा और गारंटी के साथ बताऊंगा कि अगर आपने कुछ अगले दिनों में इनको प्रैक्टिस किया तो ना केवल आपकी ये जर्नी जो है वंडरफुल रहेगी, बच्चों की परफॉर्मेंस भी आप देखेंगे सिग्निफिकेंटली इंप्रूव हो जाएगी। बच्चों को भी प्रैक्टिस करना है और मम्मी पापा को भी साथ में हेल्प करना है। दोस्तों, जैसे हम कभी भी बैंक जाते हैं और लॉकर खोलना चाहते हैं तो लॉकर की दो चाबियां होती हैं। वो चाबी एक तो हमारे पास होती है और एक बैंकर के पास होती है। जब दोनों लगती हैं तभी वो लॉकर खुलता है। इसी प्रकार दोस्तों, अगर हम एग्जाम्स में सक्सेस चाहते हैं तो उसके लिए भी दो चाबियां हैं। दो चाबियां अर्थात हमारे दो ब्रेन्स सिंक्रनी में काम करने चाहिए। पहला ब्रेन है हमारा सोचने और समझने वाला ब्रेन, यानी रैशनल ब्रेन, जो डिसीजंस लेता है, जिसके द्वारा हम एग्जाम में अपनी परफॉर्मेंस लिखते हैं, अपनी चीजों को याद करके उनको कॉपी और पेन पर लिख कर आते हैं। और दोस्तों, दूसरा जो हमारा ब्रेन है वो हमारा इमोशनल ब्रेन है, यानी वो हमारे रैशनल ब्रेन, सोचने समझने वाले ब्रेन को भी कंट्रोल करता है। अब देखो होता क्या है, जैसे ही एग्जाम आया तो हमारे मन में ऑलरेडी प्रोग्रामिंग है कि एग्जाम इज इक्वल टू स्ट्रेस। क्या क्वेश्चंस आएंगे हमारे मन में, पता नहीं पास हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। फिर लगता है बहुत मुश्किल है, मम्मी मुझे याद नहीं होता है, डिफिकल्ट लगता है, इस बारी तो बहुत ही डिफिकल्ट पेपर आने वाला है। बार बार ये क्वेश्चन जब मेरे मन में आएंगे तो मेरा ब्रेन इमोशनल सेंटर क्या क्रिएट करता है, वो डर क्रिएट करता है। और जैसे ही डर क्रिएट होगा वो मेरे रैशनल ब्रेन की सोचने और समझने की शक्ति को समाप्त कर देगा, उसको बिल्कुल कम कर देगा। इसलिए सबसे पहली जो ट्रिक जो आज हम सबको लेनी है वो है चेंज योर वोकैबुलरी। आज के बाद आप सब बच्चे भी और मम्मी पापा भी, घर में कोई भी ये नहीं बोलेगा कि डिफिकल्ट है, मुझे याद नहीं रहता है, पता नहीं क्या क्वेश्चंस आएंगे। इसकी जगह हमारी वोकैबुलरी ये रहेगी, सब आसान है, परफेक्ट है, जो मैं याद करता हूं पढ़ता हूं वो मुझे बिल्कुल परफेक्ट तरीके से याद रहता है, ये बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है, मेरा रिजल्ट बहुत बढ़िया होगा और परफेक्ट होगा। और विश्वास के साथ इसको आप मेमोराइज करिए, रोज रोज इस चीज को क्रिएट करिए, अपने ब्रेन को कहिए कि मेरे लिए सब कुछ परफेक्ट होगा। ये हमारे इमोशनल ब्रेन को शांत कर देता है, उसे पॉजिटिव हॉर्मोन्स निकालता है और हमारा जो सोचने और समझने वाला ब्रेन है वो बहुत प्रोएक्टिव हो जाता है। उसकी मेमोरी पावर, उसकी मल्टीपल चीजों को याद करने की पावर और समय पर रिकलेक्ट करने की जो पावर है बच्चों, वो बहुत अच्छी और शार्प हो जाती है। और ये बहुत लंबी प्रैक्टिस नहीं चाहिए, आप केवल कुछ ही दिन इसको करेंगे, इस वोकैबुलरी को चेंज, नेगेटिव टर्मिनोलॉजी को पॉजिटिव में चेंज करेंगे तो आप देखेंगे आपको रिजल्ट्स इंस्टेंटेनियस उसी दिन पर उसी समय पर मिलने लग जाएंगे। तो पहली वोकैबुलरी, पहला जो ट्रिक है वो है चेंज योर वोकैबुलरी। दोस्तों, दूसरी ट्रिक क्या है, दूसरी ट्रिक है सक्सेस इज ऑलरेडी ऑन इट्स वे। ये दूसरी ट्रिक भी मेरे इमोशनल ब्रेन को फर्दर एम्पावर कर। दोस्तों, इस ट्रिक को मैंने बहुत कॉमनली यूज किया है, मैं कभी भी यह स्वीकारता ही नहीं कि मुझे इस चीज में सक्सेस नहीं मिलेगी, और अगर नहीं भी मिलती है तो मुझे लगता है मेरे लिए एक लर्निंग है। तो इसलिए रोज अपने डेस्क के आगे लिख लीजिए कि इस एग्जाम में सफल होना, अच्छे नंबरों से सफल होना, यह मेरा अधिकार है। आई एम गोइंग टू सक्सीड दिस एग्जाम विद फ्लाइंग कलर्स। मेरे और मेरी सक्सेस के बीच में केवल मेरी सोच ही तो है, उस सोच को मैं पावरफुल बना रहा हूं, सक्सेस बस मैंने दरवाजा खोला, पर्दा हटाया और सक्सेस को मैं रिसीव कर रहा हूं। जब हम इन दोनों बातों को करते हैं, ये हमारे इमोशनल ब्रेन को बच्चों बिल्कुल काम कर देती है। इसलिए पढ़ाई स्टार्ट करने से पहले और उसको समाप्त करने के बाद जब भी आप करें, केवल 20 seconds, ओनली 20 seconds आप इन दोनों मंत्रों को यूज करें, चेंज योर वोकैबुलरी, और सक्सेस को इनवाइट करें कि आई एम बाउंड टू बी सक्सेसफुल, सक्सेस इज कमिंग टू मी। अब दोस्तों, हमें आना है मूल मुद्दों पर।
कैसे हम अपनी सक्सेस को और पावरफुल तरीके से अट्रैक्ट करें, अपनी एग्जाम की परफॉर्मेंस को बढ़ाएं। देखो, अब एग्जाम तो आ गए हैं, पूरे साल कितनी भी पढ़ाई की हो वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इस समय पर हमें सबसे पहले अपनी प्रायोरिटीज को सॉर्ट करना है। प्रायोरिटीज, फोकस, ये दो शब्दों को ध्यान रखना, क्योंकि अगर हम कई बारी ऐसी चीजें जिसमें हम परफेक्ट हैं, हमारी टेंडेंसी होती है हम उनको बार बार रिवाइज करने लगते हैं। नहीं, आप अपने परिवार के साथ बैठ के, अपनी फैमिली के साथ बैठ के और खुद अपने वीक एरियाज को आउटलाइन करो कि मेरे एग्जाम में ये मेरे लिए प्रायोरिटी है, दिस इज अ मस्ट डू, और उसकी लिस्ट बनाकर अपना पूरा फोकस और अटेंशन उसकी तरफ डायरेक्ट करो। पूरे दिन के टाइम टेबल में यदि हम 8, 10, 11, 12, 14 घंटे जो भी पढ़ाई के लिए निकालते हैं, उसमें अपना अटेंशन उस सब्जेक्ट के लिए ज्यादा दो। और पढ़ते हुए आपको क्या करना है, पढ़ते हुए आधे एक घंटे बाद एक एक मिनट की मैक्सिमम ब्रेक लेकर जो सब्जेक्ट या जो टॉपिक आप पढ़ रहे हो उसके इंपॉर्टेंट सेलियंट पॉइंट्स को नोट कर लो एक पेपर पर। उस स्टिकीज को चाहे आप सामने चिपका दो, चाहे अपनी बुक के अंदर रख लो, और एक दिन में उसको बार बार पढ़ने के बाद उसको रिवाइज एंड री रिवाइज करो। यानी जो वीक सब्जेक्ट है उसमें 2 times to 3 times ज्यादा टाइम देना है, और जो मेरा स्ट्रेंथ है उसको मैं केवल रिफ्रेश करके उसको बार बार रिवाइज करूं। तो 2:1 या 3:1 के रेशियो में जब मैं अपनी प्रायोरिटीज को सेट करता हूं, अपना फोकस उसकी तरफ देता हूं, तो मैं उसको इजी तरीके से मेरा ब्रेन ग्रास्प करने लगता है, क्योंकि वो ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है, इमोशनल ब्रेन को मैंने काम कर लिया है, तो इसलिए मेरा जो रैशनल ब्रेन है वो उस थोड़े समय में भी उसको इजीली एक्सेप्ट करता है। तो सेट योर प्रायोरिटीज एंड हैव अ वेरी पावरफुल फोकस। चौथी टेक्निक कौन सी है? चौथी है अवॉइड कंपैरिजंस। कई बारी फैमिली में मम्मी पापा और हम बैठते हैं, मम्मी उसने तो बहुत अच्छी पढ़ाई की है, उसका ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस है, या कई लोग बोलेंगे कि भाई तुम्हें भी उसके जैसा करना है। नहीं, ये एग्जाम केवल मेरे लिए है और इसमें मुझे अपनी ही परफॉर्मेंस के ऊपर फोकस करना है। कभी कभी दूसरों की पढ़ाई को देखते हुए, दूसरों के आंसर्स को सुनते हुए हम बच्चे और मम्मी पापा स्ट्रेस क्रिएट कर लेते हैं, अरे देखो उसको तो इतना अच्छा याद है। नहीं, मुझे तो बिल्कुल परफेक्ट याद है, जो मैं याद कर रहा हूं वही एग्जाम में आएगा, मुझे कोई भी कंपैरिजन नहीं करना है, केवल अपने ही आप इस चीज को याद करते हुए अपनी परफॉर्मेंस के ऊपर फोकस करना है। इसलिए बच्चे 40 हो, 50 हो, बहुत ज्यादा पढ़ रहे हो, 18 घंटे पढ़ रहे हो, नहीं, उस 18 घंटे में आपकी अटेंशन और फोकस कितना था, तो वो 18 घंटे की पढ़ाई आप 8 घंटे में, या 8 घंटे की पढ़ाई आप केवल 2 घंटे में कंप्लीट कर सकते हो जब आपका मन उसको इजीली स्पॉन्ज की तरह एब्जॉर्ब करता है। और उसके लिए पहली दो टेक्निक्स को बार बार यूज करना है कि आई एम वेरी परफेक्ट इन माई स्टडीज। दोस्तों, पांचवा मंत्र कौन सा यूज करना है? पांचवा मंत्र जो है वो सिंपल मंत्र है कि पढ़ते हुए बीच बीच में अपने कोलीग्स और अपने फ्रेंड्स के साथ रिविजन अलाइन। आपके कोई फ्रेंड है, अगर फ्रेंड नहीं है तो घर में मम्मी पापा के साथ, और अगर वो भी नहीं है तो अपने आप ही अपने आप को रिवाइज करो। ये बहुत अच्छा तरीका है, जब हम अपने कोलीग्स के साथ इन चीजों को डिस्कस करते हैं तो ये एक अच्छा तरीका हो जाता है उस चीज को मेमोराइज करने। थोड़े समय में भी मैंने इस टेक्निक को यूज किया कि जब मैं अपने फ्रेंड्स के साथ उस टॉपिक के ऊपर हम पढ़कर डिस्कस करते थे तो वो 3 घंटे की पढ़ाई को हम कम से कम 30 मिनट के अंदर पूरा मेमोराइज कर लेते थे। तो दोस्तों के साथ, दोस्तों गप्पाजी तो हमने खूब करी, लेकिन अब हम एकेडमिक गप्पाजी करेंगे, यानी हम उनसे एकेडमिक पढ़ाई के बारे में बात करेंगे, उनको कहेंगे तुम भी ये पढ़ो, मैं भी इसको रिवाइज करता हूं, तो आपका जो वीक सब्जेक्ट है वो आपको इजीली बता सकता है कि इसको इस तरीके से याद करो, उसकी जो वीकनेस है उसको, वो आपकी स्ट्रेंथ हो सकती है, आप उसको रिवाइज करा सकते हो। और इस प्रकार के आधे घंटे के डिस्कशंस के द्वारा सोशल मीडिया जो हम यूज कर सकते हैं, अलग अलग प्रकार के प्लेटफॉर्म यूज कर सकते हैं, टेलीफोन पर भी हम एक दूसरे को एम्पावर कर सकते हैं और हमको ये चीज इजीली मेमोराइज हो जाएगी। और दोस्तों, छठी टेक्निक कौन सी है कि भाई आजकल भी पूरे दिन ऐसा नहीं कि पढ़ने ही बैठ गए, आज पढ़ते पढ़ते भी केवल 2 से 5 मिनट की ब्रेक जरूर। कोई चीज है, कभी कभी कुछ कुकिंग करना है, कुछ अच्छा खाना है, कभी बाहर घूम के आना है, कभी कोई चीज चेक करनी है, कोई छोटा सा सीरियल देख लेना है, कोई अच्छा सा कार्टून देख लेना है, या कोई और चीज पढ़नी है, अपने आप को डिस्कनेक्ट जरूर करो।
कभी कभी म्यूजिक, जैसे मैं अपनी लाइफ में जब मैं पढ़ता था तो मैं मेडिटेशन का म्यूजिक लगाकर पढ़ता था, कभी कभी कोई सॉन्ग सुन लेता था, तो इस प्रकार से मेरे ब्रेन को रिलैक्सेशन मिलता था। क्या होता है इससे, क्योंकि जब भी हम 5 मिनट की रिलैक्सेशन लेते हैं, मेडिटेट करते हैं, कोई अच्छा म्यूजिक सुनते हैं, कोई ऐसी अनवाइंडिंग एक्टिविटी जो मुझे पसंद है उसको मैं यूज इस टाइम पर भी करता हूं, तो मेरा इमोशनल ब्रेन शांत हो जाता है और रैशनल ब्रेन को भी रिलैक्सेशन मिलता है, वो रिजुवनेट होता है, उसके अंदर कामिंग हार्मोन्स रिलीज होते हैं, और ऐसे हार्मोन्स के द्वारा जब मैं दोबारा पढ़ने बैठता हूं तो उस पढ़ाई की एक्सेप्टेंस, उसकी ग्रास्प और पावरफुल हो जाती है। स्टडीज बताते हैं कि शॉर्ट ब्रेक्स जब हम लेते हैं तो हमारा अटेंशन, हमारा फोकस, हमारी मेमोरी पावर और एग्जाम में रिप्रोड्यूसिबिलिटी, यानी उस चीज को दोबारा स्मृति में लाकर याद करके उसको लिखना, वो और एम्पावर हो जाती है। तो बच्चों, सिंपल टेक्निक्स और सक्सेस तो हमारे पास आनी ही है, घबराना बिल्कुल भी नहीं है। एग्जाम को एग्जाम की तरह नहीं, उसको एंजॉयमेंट की तरह लो। केवल इन 6 स्टेप्स को यदि हमने फोकस किया तो हमारा इमोशनल ब्रेन शांत रहेगा, हमको सपोर्ट करेगा, हमारे रैशनल ब्रेन को वो बैलेंस की तरह हेल्प करेगा, और हमारा बैलेंस जो रैशनल ब्रेन है वो पावरफुल प्रोसेसर की तरह हमको परफेक्ट परफॉर्मेंस देगा। तो इसलिए एक एक बच्चा रैंकिंग के ऊपर फोकस नहीं करना, इस यात्रा को मजे से पूरा करना। एक एक एग्जाम का पेपर आपके सामने आएगा, सोच कर जाओ जो मैंने पढ़ा है वही होगा। योर सक्सेस इज ऑलरेडी ऑन इट्स वे, सक्सेस मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। तो बच्चों, नो स्ट्रेस, ओनली एंजॉयमेंट, एग्जाम इज अ जॉय, इसको मजे से पूरा करो और फ्लाइंग कलर्स के साथ इस परीक्षा से बाहर निकल कर आओ। ओम शांति।